सर थोड़ा सा हिंदी में, जो इलेक्शन आ रहे हैं 2019 के, उसके तहत क्या तैयारी है महाराष्ट्र पुलिस की और कितनी तैयार है? देखिए सर, महाराष्ट्र पुलिस पूरी तरह से सुसज्ज है। सभी इलेक्शन कमीशन ने मुंबई में कुछ दिनों पहले एक मीटिंग भी ली थी, हमारी सारी तैयारी का, हमारी सारी प्लानिंग का जायजा भी लिया था और उसी तैयारी का एक भाग के रूप में ये आज मेरा पुणे शहर और कोल्हापुर रेंज की सारे अधिकारियों का काम का जायजा लेना मेरा मुख्य उद्देश्य था। वो सारी प्लानिंग और सारी हमारी तैयारी का जायजा हमने ले लिया है और इस हमारी तैयारी से मैं संतुष्ट हूँ। और जो भी हमें सूचना देनी थी, जो भी हमें कहना था, जो भी हमें मार्गदर्शन करना था, जो भी लोगों को बताना था, जो इंस्ट्रक्शन देने थे, सारे सर 2014 और आज के इलेक्शन में काफ़ी सारा अंतर है, क्योंकि हाल ही में जो पुलवामा हमला हुआ और महाराष्ट्र के कई ऐसे शहर है कि जो सेंसिटिव भी है, तो ऐसे में कितनी पूरी तरह से एक विशेष तैयारी आपको करनी पड़ रही है और क्या इसके बारे में सोचो? देखिए जी, मैंने पहले भी यही कहा था, सबसे पहले हमारे सभी लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं। एक बार हमें ये समझ में आ गया कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं, तब आदमी ऑफिसर्स और जो कर्मचारी उनका उनकी मानसिक तैयारी हो जाती है। आज की तारीख में हमने वो अपनी ब्रीफिंग सभी को कर दिया है, हमने बता दिया कि हमें किस टाइप का चैलेंजेस सामने आने वाले हैं, उन चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए जो भी हमें करना है उसकी प्लानिंग हमारी हो चुकी है, उसमें करना क्या चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, सारे डिस्कशन हम कर चुके हैं। मुझे इस बारे में कोई शक नहीं कि हम लोग आने वाले समय में किसी भी तरह से हमारे परफॉर्मेंस में आपको कमी नजर आएगी। आज भी लोग 26/11 को नहीं भूले हैं और हाल ही में जो इशारा मिला है, खुफिया जानकारी मिली है कि समुंदर से आकर आतंकी हमले की एक आशंका जो आई, उसको लेकर भी आप कितनी? देखिए ऐसा 26/11 को हम भी नहीं भूलने वाले हैं, वी आर ऑल्सो वेरी क्लियर अबाउट इट कि हम तो भूलेंगे नहीं, और उसके बारे में जो भी तैयारी करनी चाहिए थी वो तैयारी ऑलरेडी प्लेस में है। ऑलरेडी उसकी तैयारी, उससे जूझने का, उसको उस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने की तैयारी, ड्रिल्स, सब कुछ ऑलरेडी इट इज़ इन प्लेस। हमें कोई उसमें नहीं, कई सारी चीज़ें हो चुकी हैं 26/11 के बाद, क्विक रिएक्शन टीम बन चुकी हैं, इक्विपमेंट्स आ चुके हैं आपके पास, नए सारे कोस्टल पेट्रोलिंग का प्लानिंग ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, ऑलरेडी है, वेपनरी नहीं आ चुकी है, कई लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी है, एनुअल फायरिंग हो चुकी है, तो बेसिक्स होता है, जो भी बेसिक्स चाहिए थी वो सारी बेसिक्स आर ऑलरेडी इन प्लेस, सब कुछ हम कर चुके हैं। क्या उतनी कर्मचारियों की संख्या है हमें इस तरह से इलेक्शन के और भी जरूरत लगेगी? और जैसे चैलेंजेस की बात आप हम कर रहे थे, तो वी आर टास्क विद मेंटेनेंस ऑफ लॉ ऑर्डर एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, हमारी सारी तैयारी उस तरफ ही। टेररिस्ट अटैक इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्राइम, वी आर ऑल्सो लुकिंग एट दैट एस्पेक्ट। Security, maintenance of law and order and prevention, detection of crime is the basic apna bread and butter of the police department. We are geared towards that. And towards that, and I'm satisfied that we are in good form and federal. Steps have been given, lot of directions have been given to us by the Honorable Election Commission, in which one of the major directions is to go towards handling this challenge of illicit weapons. All those steps that are required to be taken to handle this thing are being already, instructions have been given and we are handling it already. So what type of measures, can you elaborate on this? Some, like, we are carrying out arrests of all absconders, all wanted criminals, all such cases where they are all being looked at fresh, then come near once. We are also putting in place nakabandis of various kinds in the state. Coordination meetings are taking place in the state. Borders will be what we call nakabandi. They will be necessary deployments will take place, and basically there will be much more coordination between various units in trying to detect another such actions. Because we also need to report how many, what all we have done on a periodical basis to the Election Commission till such time the election is actually
take place. और जहाँ जहाँ मिला है वहाँ से वो उसमें भी कहाँ से लाया तो वहाँ अपना क्राइम ब्रांच भी जाती है. सो दैट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड स्पेशली इलेक्शन टाइम में वो कोऑर्डिनेशन ज्यादा रहेगा. सर एनी स्पेशल फोकस ये इलेक्शन को लेकर? कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं जो होनी नहीं चाहिए, तो ऐसे कुछ चीजें अगर हमें नजर आती है तो उसके लिए हम लीगल कार्रवाई करते हैं. उसमें हमारे मन में तो कोई डाउट नहीं है, जो लीगल कार्रवाई करना वो करेंगे.